Hey everyone, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम अली सलमान है और वेलकम टू बिजनेस मिर्ची। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक पर लाइक नहीं किया है तो जाइए और लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो जब भी हम ऐसी वीडियोस अपलोड करें ताकि आपको लाइक और नोटिफिकेशन मिले। आज हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेसेस की, और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स आप बिजनेस बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ रही थी नो आप किस तरह खोल सकते हैं, और आप चीजें जो हैं वो दराज पे, OLX पे, आई शॉपिंग पे, फेसबुक पर, और लाइक यू नो affordable.pk पे आप बेसिकली किस तरह चीजें बेच सकते हैं। ये काम कोई भी कर सकता है। अगर आपका रिटेल स्टोर है तब भी आप क्या काम कर सकते हैं, हो सकता है भाई आपका जनरल स्टोर हो और आप जाके आपके पास चीजें तो ऑलरेडी हैं, बस आप ऑनलाइन को बेच रहे हैं। ओके, तो एक तो ये तरीका है। लेट्स से कि आपका रिटेल स्टोर नहीं है, कि आप अगर हम एग्जांपल लें, आपका शौक है भाई सेल फोन की एक्सेसरीज बेचने का, तो होलसेल मार्केट भी है। आप जाइए होलसेल मार्केट, जाइए वहां से आप चीज लीजिए और वहां पे लाइक यू नो 50% 100% 150% का मार्कअप के साथ आप इन लाइक यू नो वेबसाइट्स पे आप बेच दीजिए। इसके अलावा भी जो है ना, लेट्स से कि अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे होलसेल मार्केट नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि आप जाइए रिटेल शॉप के वाले के पास, आप उसे बोलिए कि भाई मैं मुझे बेचनी है सेल फोन एसेसरीज, तो आप जाइए सेल फोन एसेसरीज की शॉप जो आपके मोहल्ले में हो, जो आपके शहर में हो, उधर आप बोलिए कि भाई देखें मैं बेचता हूँ ऑनलाइन और जब भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं आके आपसे लूंगा, पर आप मुझे जो है ना वो रिटेल प्राइस से आप मुझे 20% या 30% में कम प्राइस पे दें, ताकि मैं भी पैसे बना सकूं आप भी पैसे बना सकें। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा था कि देखें प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं उसका आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप खरीद सकते हैं, आप ऑलरेडी बाय कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आप किस तरह ये सारे चैनल्स यूज करें ताकि आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर सकें। चलें हमें ना लेकिन अभी सीखते हैं कि भाई आप सेलर किस तरह बने दराज पे और लाइक यू नो OLX पे, आई शॉपिंग पे, अफोर्डेबल पे, और ये सारे फेसबुक के चैनल्स के ऊपर। चलें सीखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आ गए हैं दराज.pk पे। तो दराज.pk पे हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि आप सेलर किस तरह बनते। तो आप पहले जाइए दराज.pk पे। तो राइट, हम जाते हैं दराज.pk पे। ओके, जब आप दराज.pk पे जाएंगे और सबसे ऊपर आप ये देखेंगे एक मेन्यू है ऊपर। ओके, और इसमें लिखा हुआ है सेव मोर ऑन ऐप, सेल ऑन दराज, कस्टमर केयर। तो आप क्लिक करेंगे सेल ऑन दराज के ऊपर। जब आप वहां पे जाएंगे तो ये पेज एक आएगा। ओके, और इसमें बेसिकली ये इसमें बाकी भी डिटेल्स पर लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें आप बेच सकते हैं। इसमें ना इंफॉर्मेशन है किस तरह पेमेंट्स आपको रिसीव होती है, सारी चीजें। तो आप क्लिक करेंगे एज अ फर्स्ट टाइम सेलर, आप क्लिक करेंगे स्टार्ट सेलिंग के ऊपर। जब आप स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली लेके जाएंगे एक फॉर्म के ऊपर। ओके, और फिर आपने बताना है कि आप पर्सनल हैं या बिजनेस हैं। ओके, जब आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे फिर आप बाकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, पाकिस्तान, स्लाइड टू वेरीफाई, मोबाइल नंबर। ओके, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप कर लेंगे साइन अप। ओके, जब आप इस प्रोसेस को पूरा खत्म करेंगे तो ये तकरीबन कुछ दिन लगते हैं, 3 से 7 दिन लगते हैं ये वेरीफाई होने में। ओके, और ये एक बार जब वेरीफाई हो जाएगा तब आप पीछे जाके फिर प्रोडक्ट्स इस पे अपलोड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जो ये है, ये हम अब जाते हैं OLX पे। ओके, तो OLX पे जो लाइक यू नो जब आप जाते हैं तो OLX पे जब आप लैंड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोने पे सीधे लेकिन ऊपर यहाँ पे सेल का बटन है। जब आप सेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप लॉग इन करें अपने फोन से, अपने गूगल से या अपने फेसबुक से। तो आप लेट्स से कि फेसबुक को यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं, आप गूगल को यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट्स नहीं है गूगल और फेसबुक के तो आप अपना फोन भी यूज कर सकते हैं और अपना ईमेल भी यूज सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने फेसबुक यूज किया तो वैसे वो पूछेगा आपसे, जब आपने बेसिकली लॉग इन किया तो आपको वापस लेके जाएगा। ओके, और फिर वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि भाई आपने बेचना क्या है। तो आप पूछेंगे लेट्स से कि भाई आपने बेचना है सेल फोन केयर, मुझे एक्सेसरीज बेचनी है। ओके, फिर आप मतलब कि इसको पूरा फिल आउट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को। राइट, जब आप एक बार फिल आउट कर लेंगे फिर आप पोस्ट कर देंगे और दिस इज गुड टू गो। ओके, तो अभी हमने सीखा कि आप दराज पे किस तरह बने, अब आप OLX पे किस तरह बने। अब हम जाते हैं iShopping.pk। iShopping.pk का शुमार जो होता है वो
टॉप 10 मार्केट प्लेसेस के अंदर होता है। देखिए इनका फायदा क्या है, ये आपके पास कस्टमर लेकर आते हैं। ओके, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप ऊपर जहाँ पे जाएंगे उस पर लिखा हुआ है सबसे कोने पे इट सेज लाइक सेलर्स राइट हियर। ओके, और उधर जाके आपने रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर एज अ सेलर। तो अब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट, फिर आप उसको ईमेल देंगे, फिर ये आपके अकाउंट पे ईमेल भेजेगा, तो आप वेरीफाई क्या करेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि आपके ऑर्डर की पिकअप की लोकेशन क्या है, फिर आप अपना आप अपने स्टोर का नाम बताएंगे, आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स जानेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी खत्म। ओके, बड़ा इजी प्रोसेस है iShopping.pk के ऊपर। सिमिलरली लाइट, ओके, अगर हम जाते हैं affordable.pk, यहाँ पे भी जब आप वेबसाइट पे जाते हैं affordable.pk के ऊपर, और सबसे पहले आप जाके नोटिस करेंगे कि लेकिन क्रिएट अ स्टोर, पर हम क्लिक करते हैं हाउ इट वर्क्स, राइट। ओके, उनके यहाँ पे बहुत अच्छी एक वीडियो भी है, पर इसके अलावा आप क्रिएट अ स्टोर पे आप जाइए। ओके, और क्रिएट अ स्टोर पे आप जाके सेलर पेज पे आप जाइए, और सेलर पेज के अराउंड फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर करवाएंगे। ओके, सिमिलरली लेकिन वंस, अगर एक बार आप रजिस्टर करवा लेंगे राइट, फिर ये आपको अलाउ करेगा कि आप इसके ऊपर प्रोडक्ट्स अपनी डाल सकते हैं। ओके, और ये भी दराज की तरह है, आई शॉपिंग हो गया, अफोर्डेबल हो गया, ये सब दराज की तरह की ही मार्केट प्लेसेस हैं। इनका फायदा ये है कि ये आपके आपके पास कस्टमर लेकर आते हैं, इजी है यहाँ पे बेचना, क्योंकि ये खुद की बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग दराज यूज करते हैं, बहुत सारे लोग OLX यूज करते हैं, तो वो आपके लिए कस्टमर्स लेकर आते हैं। ओके, एक और वेबसाइट है, ये फेयरली नई आई है अभी, इसका नाम है clicky.pk, और आप clicky.pk पे जब जाते हैं, तब जब आप नीचे आएंगे इसके, आप स्क्रॉल करें ऑल द वे, और नीचे आप देखेंगे इधर इधर लिखा हुआ है सेल ऑन क्लिकी। ओके, जब आप सेल ऑन क्लिकी पे क्लिक करेंगे, तब ये आपसे पूछेगा कि आई विश टू बिकम अ सेलर ऑन क्लिकी। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म है, ये पूछेगा फिल दिस फॉर्म, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, आप ये सारी इंफॉर्मेशन को आप फिल आउट करेंगे, जब आप फिल आउट कर देंगे तो आप क्लिकी को सेंड कर देंगे। ओके, लेट्स गो टू फेसबुक, और फेसबुक के बारे में बात करते हैं। तो फेसबुक पे जब आप जाते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे फेसबुक पे आप जब जाते हैं अपनी फीड के ऊपर, तो आपको ये फीड दिखती है, फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है मार्केट प्लेस का, फिर आप मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे। ओके, और मार्केट प्लेस पे जब जाते हैं, तब आप के पास यहाँ पे एक बटन आता है, इसका नाम है सेल समथिंग। ओके, तो आप जब आप सेल समथिंग पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे ये आपसे डिटेल पूछेगा कि भाई आपको आइटम फॉर सेल है, आपको गाड़ी बेचनी है, या आपको घर ब्रांड पे देना है या बेचना है, तो आप क्लिक करेंगे लेट्स से कि आइटम फॉर सेल, फिर आप अपनी शहर चूज करेंगे कि ये है लाहौर, ये पूछेगा कराची, जहां पे भी आप हैं, आपकी प्राइस क्या है, आप क्या बेचने किस कैटेगरी में हैं, और आप लेकिन पिक्चर्स अपलोड कर दें और नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक पे फेंक देगा। ओके, एक और तरीका फेसबुक पे लेकिन बेचने का ये होता है कि आप फेसबुक पे जाइए और आप ऊपर सर्च के अंदर लाइक यू नो लेट्स से अगर आप कराची के अंदर बेचते हैं, या आप लाहौर के अंदर हैं, या आप क्वेटा के अंदर हैं, तो आप सर्च करेंगे कराची ऑन द टॉप, फिर आप जाएंगे कि लाइक यू नो ग्रुप्स के अंदर, और ग्रुप्स के अंदर अगर आप ये देखें कराची मार्केट का ग्रुप है राइट यू नो, ओके, और आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं कराची मार्केट के ग्रुप के अंदर के कितने मेंबर्स हैं। लेट्स सी के इस ग्रुप के अंदर आज के दिन में है टोटल, इसमें है 3.5 लाख मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट, ये आप देख सकते हैं सही। जब आप ये 3.5 लाख तो आप इनके करेंगे ज्वाइन द ग्रुप, जब आप ज्वाइन द ग्रुप करेंगे तो ये देखिए इनके कुछ रूल्स हैं, और मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन करें तो मेक श्योर करें कि आप जो हैं वो रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि देखिए अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो ग्रुप वाले आपको बाहर निकाल देंगे ग्रुप से। सिमिलरली इसी तरह ही आप जब जो भी मार्केट के अंदर आप हैं, जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं क्वेटा, और क्वेटा के अंदर हम जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि क्वेटा के अंदर सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, बाय एंड सेल क्वेटा राइट, DHO क्वेटा, क्वेटा बाय सेल स्वाप राइट। ओके, और हर रोज आप देखें 500 से ज्यादा पोस्ट हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली ग्रुप्स के अंदर आप जाएंगे और आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच लाइक और डाल देंगे उसके ऊपर। ओके, तो होपफुली दोस्तों लाइक आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा कि आप दराज पे, आप OLX पे, आप आई शॉपिंग पे, क्लिकी पे,
और ये सारी affordable.ppk पे आप किस तरह चीजें बेच सकते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप जाइए उधर वेरीफाई कीजिए, अकाउंट खोलिए और लाइक यू नो अपना अपना है ना प्रोडक्ट डालना शुरू कीजिए। लेट्स से कि भाई आपके पास प्रोडक्ट्स भी नहीं है, आप जहाँ पे जाके सिर्फ पिक्चर्स अपलोड कीजिए, जब आपको ऑर्डर मिले तब आप जाके लाइक यू नो सामान खरीदिए और लाइक यू नो उनको शिप कर दीजिए। तो ये एक है बहुत इजी तरीका है ई कॉमर्स स्टोर खोलने का। तो आप अपने कमेंट्स में जाइए, मुझे बताइए कि लाइक यू नो आप कौन सी प्रोडक्ट्स बेचते हैं या आप क्या कोई भी ये वेबसाइट यूज करते हैं इन प्रोडक्ट्स बेचने को। राइट, ओके, मैं आपसे लाइक यू नो आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। ओके, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।